रेडियल आर्ट्री एंजियोग्राफी, स्नफ बॉक्स से एंजियोग्राफी जो की जाती है उसके लिए। देखिए स्नफ बॉक्स होता है हमारे हाथ के इस जगह पे, इस जगह से जो आर्टिस्ट आती है उसमें जो करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल, इसमें प्रॉब्लम जो होती है, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि पेशेंट को नॉर्मली जब चेहरे लगाता है देखिए इस जगह पे वीनस में, तो पता नहीं चलता कि आर्टरी है कि वीनस है, और एकदम उसी जगह पे एम लगाते हैं उसके विदिन 10 मिनट्स पेशेंट की शीत निकाल देते हैं, तो उसके उसको आधे घंटे के अंदर घर भेज देते हैं। सिक्स फ्रेंच शीट है, इसका मतलब कि एंजियोप्लास्टी भी अपन यहाँ से करते हैं, एंजियोप्लास्टी भी मुमकिन है। एंजियोप्लास्टी करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं। विमल शर्मा जी जो प्योर डिस्ट्रिक्ट में अम्बाह में, तो उनके यहाँ पर आने के बाद उनको अच्छा लगा, हमने थैंक यू बनना, मेरे पास ट्रस्ट रखा, विश्वास रखें कि हम लोग अच्छा कर लेंगे। तो डर रहा था, पहली बार मेरे साथ की ये हुआ, अभी तक कोई ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं चला कब और कैसे हो गया, बहुत अच्छा लगा। मैंने सभी नॉर्मल पाँव से मैंने सुनी थी, हाथ से पहली बार, हाथ से भी बताया था मुझे, लेकिन ये तो कलाई से हुई है, ये तो एक तरीके से भोपाल में चमत्कार ही है। भोपाल में सेंटर में ये सेंटर है, उनको हॉस्पिटल यहाँ पर रेगुलर ये सब चीज़ें आप आइए। तो ये एंजियोग्राफी हो गई है, और एंजियोग्राफी के बाद में मिस्टर विमल शर्मा जी को हम लेके आ रहे हैं, जो एकदम चलते हुए ऐसा लगा किसी तरह से कोई मुझे कुछ मालूम ही नहीं चला कि क्या हुआ, हल्का माम जैसा जब पता चला, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। पहले सोच रहा था पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन वो मुझे व्हील चेयर पर बिठा के लाया गया, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं।